अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा दीपक 300 फीट का दीपक जलाया जा रहा है, जिसका नाम दशरथ दीपक रखा गया है। तपस्वी छावनी के आचार्य ब्रह्मन जी हमारे साथ है। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि इस दीपक की विशेषता क्या है, आप इस दीपक को जला रहे हैं, क्या है इसकी विशेषता? अयोध्या समय तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में यह है दुनिया का सबसे बड़ा दीपक हमने तैयार कराया है, जो 1008 टन मिट्टी से बना हुआ है। इसमें सभी तीर्थों की मिट्टी, सभी तीर्थों का जल सम्मिलित है और इसमें अष्टधातु सोना चांदी भी इसमें मिलाया गया है और देसी गाय के घी से बना हुआ है। कुल 7.5 करोड़ की लागत लगी है, वर्षों इसके लिए प्रयास किया गया है। यह इस त्रेतायुग की कल्पना के अनुरूप, कि त्रेतायुग में जिस तरह से होते थे सब दीपक, उस कल्पना के अनुरूप हमने इसका निर्माण कराया है कि राम मंदिर जो है 500 वर्षों तक एक पीढ़ियों ने संघर्ष किया जी। तो उसके लिए कि सबसे बड़ी दिवाली हो, तो दिवाली तो दिया से होती है और जितना बड़ा दिया उतनी बड़ी दिवाली। तो फिर हमने जो है बर्ड रिकॉर्ड में चेक किया तो 40 फीट तक का दर्ज था, तो हमने 300 फीट का दीपक बनाया और जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक है, दुनिया का सबसे बड़ा ये दीपक है और 21,000 लीटर तेल, 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती से कुछ ही क्षणों में यह प्रज्वलित होने वाला है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो तो राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं, तो यह राम नगरी राम घाट की राम ज्योति है, जो सबसे बड़ी राम ज्योति होगी और सबसे बड़ा दीपक है। इसका मैंने नाम रखा है महाराजा दशरथ दीपक। ये कितने दिनों तक चलेगा महाराजी, कितने दिन जलेगा ऐसे ही? अब यह तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाया गया है, बाकी तो श्रद्धालु जब तक तेल डालते रहेंगे तब तक जलता रहेगा। अभी कितना तेल डालना है, आज कितना तेल डालेंगे इसमें आप? 21,000 लीटर आज जो है तेल पड़ेगा। तेल कहाँ से आया है? ये सबसे पहले सीता माता के मायके से आया है 108 टीन। इसके बाद जो है तो अलग अलग, जैसे मध्य प्रदेश से रितेश जी जो है अपने सभी अनुयायियों के साथ में वो 251 जो है टीन लेकर के आए। इसके बाद महाराष्ट्र से उसकी बत्ती आई है और 1008 टीन महाराष्ट्र से आया है। इसके बाद जो है तो ये एक ब्राह्मण महासभा है, उनके तरफ से जो है तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद की ओर से दिलीप राम त्रिपाठी ने अपने सभी लोगों के द्वारा जो है 15 टीन तेल लेकर के आए हैं और तमाम जो है लोग जो है सहयोग कर रहे हैं इसमें, और अभी सहयोगियों का भी जत्था आ भी रहा है, तो सहयोग के तो हमको रोकना पड़ रहा है। सोच कैसे आई, कंसेप्ट कैसे दिमाग में आया? ऐसा लगा कि यह दिवाली को उत्सव राम जी से जुड़ा हुआ है। जब माता पिता के आदेश का पालन करके प्रभु श्री राम त्रेतायुग में वनवास चले गए थे तो अयोध्या सुनी हो गई थी, कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाया गया। जब लंका विजय करके प्रभु श्री राम आए तो खुशी में पहले देवताओं ने जलाया तो देव दिवाली हो गई, और फिर एक दिन पहले जलाया तो छोटी दिवाली हो गई, और राम भक्तों ने जलाया तो राम दिवाली हो गई। तो हमने सोचा कि उस समय लोगों ने 14 साल प्रतीक्षा किया था, हमारी पीढ़ियों ने प्रतीक्षा किया है, 500 साल तक प्रतीक्षा हम लोगों ने किया, इसलिए यह दिवाली तो उससे भी बड़ी होनी चाहिए। तो हमने फिर जो है उस हिसाब से उससे भी बड़ा, त्रेतायुग से भी बड़ा दिया बनाया। 2-3 दिन पहले जलाया जा रहा है। हाँ, ये आज नवमी तिथि है। अच्छा। भगवान का जन्म नवमी तिथि को हुआ था। अच्छा। तो इसलिए हम लोग आज नवमी से ही इसका शुभारंभ कर रहे हैं कि आज से प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ है। भगवान अपने गर्भगृह में पहुंच गए हैं और जो माने प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व की प्रक्रिया होती है, अनाधिवाद जलाधिवाद से शुरू हो गया है, तो आज दीपक जो है राम जी के नाम पर ये जल रहा है। ये काफी सवाल है, पूरा अयोध्या जो है उत्सव मना रहा है, आप देख रहे हैं हर तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जश्न है, उत्सव है, आप लोग कैसे भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, अब अयोध्या के सहित पूरा देश और देश के सहित पूरा विश्व जी इस समय राममय हो गया है। सनातन का सबको जो है नशा छा गया है और जिधर देखो उधर भगवामय हो गया है। ये रामराज की शुरुआत एक बार त्रेतायुग में हुई थी और ये 22 जनवरी 2024 को दूसरी बार रामराज की शुरुआत हो रही है। धन्यवाद। तो आप ये है तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य जी का कहना है कि एक तरह से एक बार फिर रामराज की शुरुआत हो रही है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं दीपक जलाने से पहले। ये वो दीपक है जिसे दावा किया जा रहा है कि 300 फीट का ये दीपक है, जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक 440 फीट का जो है दीपक जलाने का है रिकॉर्ड है। ये कहा जा रहा है कि ये 150 फीट की ये बाती है, ये जो देख रहे हैं आप जिसे जलाया जाएगा ये बाती ही 150 फीट की है। ये कहा जा रहा है कि 120 टन तेल से इसको जलाया जाएगा और ये तब तक जलेगा जब तक श्रद्धालु जो है इसमें तेल डालेंगे। पहला जो तेल का ये क्रस्टर आया है ये सीता मैया के जो है ससुराल से आया है, माफ करिए मायके से आया, मिथिला से आया है ये, और इसी के जरिए जो है ये दीपक जो है वो जलाए जाएंगे। तो तैयारियां जो है दीप जलाने की हो रही हैं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं पीछे कैसे जो है अब तेल डालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा रही है। इस दीपक में तेल जो है वो डाला जाएगा और ये तेल जो है
डाला जा रहा है दीपक में। एक तरह से उत्सव का माहौल यहाँ पे है, दशरथ दीपक इसका नाम रखा गया है। कहा जा रहा है कि ये दीपक जो है नौमी के दिन जल रहा है, यानी कि जिस दिन राम भगवान राम जो है पैदा हुए, चूंकि भगवान राम जो है वो गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और अब जो प्रक्रिया है अनुष्ठान है प्राण प्रतिष्ठा की वो भी चल रहा है, इसीलिए इस दीपक को आज नौमी के दिन जलाने की बात की जा रही है। तमाम जो भक्त यहाँ पे हैं उनके अंदर भी बहुत सा उत्साह है इस दीपक को लेकर। जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि पूरा देश इस वक्त राममय है, उस राममय में ये भूमिका अपनी निभाने के लिए इसे आगे बढ़ाने के लिए इस दीपक को आज जलाया जा रहा है। तो ये जो दीपक आप देख रहे हैं, जो तेल आप देख रहे हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा दीपक दावा जो किया गया है वो होगा और दशरथ दीपक इसका नाम दिया गया है, ताकि भगवान राम के जो पिता थे महाराज दशरथ उनके नाम पर ही इस दीपक को दशरथ दीपक कहा गया है। और इसे जो नौमी के दिन जलाया जा रहा है, खास मौका है ये क्योंकि इसी दिन प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दीपक को आज जलाया जा रहा है। 1.25 क्विंटल रुई की बत्ती और 10,000 लीटर तेल से जो है ये राम ज्योति जो है वो प्रकट होगी। ये रामनगर में राम घाट के पास जो है इस दीपक को जलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सभी तीर्थों की मिट्टी, जल, समुद्र का जल और गाय के घी से इसे अद्भुत दीपक को, इस दीपक को बनाया गया है। इस ज्योति के साक्षी बनने के लिए अयोध्या के तमाम नगरवासी जो है यहाँ मौजूद है, तमाम किन्नर समाज के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो ये इस पल के साक्षी बन रहे हैं। और ये दीपक जो आप यहाँ देखेंगे, ये जो है दशरथ दीपक जो है वो एक तरह से कह सकते कि अद्भुत दीपक है जिसको जलाने की प्रक्रिया आज अयोध्या में आज शुरू हुई है और ये एक तरह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अयोध्या में विश्व का सबसे बड़ा दीपक जो है वो जल गया है, दशरथ दीपक कहा जा रहा है इसे। कहा जा रहा है कि ये एक रिकॉर्ड है, 300 फीट बड़ा ये दीपक है और करीब 7 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। ये वो दीपक है जो जलाया गया है। आज नौमी की तारीख है और नौमी वही दिन है जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए आज जलाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा तक ये दीपक यूं ही जला रहेगा। 300 फीट का ये पूरा जो है बड़ा दीपक है और दीपक के चारों तरफ जो है दीपक जलाए गए। तो आज ये सबसे बड़ा उत्साह है कि किस तरीके से यहाँ पर दीपक जो है वो जलाया गया है। आपके पास तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरे दीपक की, चारों तरफ से कैसे इसमें तेल डाला गया। कहा जा रहा है कि माता सीता के मायके से यानी जनकपुरी से जो है वो तेल आया है और उस तेल का इस्तेमाल करके इसको जलाया जा रहा है। ये जो इस दीपक को बनाने में सभी तीर्थों का जो मिट्टी है, जल है, समुद्र का जल है, गाय का घी है, उसका इस्तेमाल करके इस दीपक को बनाया गया है। दशरथ दीपक इसका नाम रखा गया है। कहा जा रहा है कि करीब 108 टीन तेल जो है इसमें डाला जाएगा। हालांकि ये प्राण प्रतिष्ठा तक जलाने की तैयारी है, उसके बाद भी अगर इसमें तेल पड़ता रहेगा तो ये जलता रहेगा। और इसे देखने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो भक्त भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक अद्भुत दीपक इसे कहा जा रहा है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस दीपक को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं कैसे व्यवस्था यहाँ पर जो है वो हो रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं इस दीपक को देखने के लिए। एक भीड़ सी उमड़ रही है। माना जा रहा है कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले उस तक जो ये दीपक लगातार यूं ही जलता रहेगा। तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य जो है उन्होंने इसको इस दीपक को यहाँ बनवाया है और कहा यह जा रहा कि एक तरह से ये एक अद्भुत व्यवस्था की गई है ताकि तमाम जो भक्त अयोध्या में आए, क्योंकि पूरी अयोध्या इस वक्त जो है वो राममय है, लिहाजा इसको और बढ़ाने के लिए, इस जोश को जारी रखने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 22 तारीख को हर घर में दीप जलाया जाए, जब अयोध्या जब राम अयोध्या आए थे तब दीपक जला कर उनका स्वागत किया गया था, लिहाजा आज भी एक राम दीपक, राम ज्योति जलाई गई है जिसे दशरथ दीपक के नाम जाना जा रहा है। ये इसीलिए है कि राम जो है 22 तारीख को भी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उन्हीं के स्वागत में पहले से ही दीपक जलाए जा रहे हैं। 11 बजे सत्यदेव सिंह के साथ टाइम्स नवभारत अयोध्या।